भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी विश्व वर्ल्ड कप के सितारे बनकर उभरे हैं, जिसमें उन्होंने विकेटों की झड़ी लगा दी है, जहां उन्होंने 7 विकेट लेकर भारतीय टीम के फाइनल में पहुंचने की राह आसान बनाई थी। उनकी उपलब्धि पर जहां पूरा देश गर्व कर रहा है, वहीं उनके गृह शहर अमरोहा में जश्न का माहौल है। उनका ये जश्न तब दोगुना हो गया जब यहां सरकार ने मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। दरअसल मोहम्मद शमी अमरोहा के सहसपुर अली नगर के रहने वाले हैं। इस गांव में एक मिनी स्टेडियम बनाने की बात चल रही है। इसी संबंध में CDO अश्वरी कुमार मिश्र समेत ब्लॉक के अधिकारियों ने जमीन को चिन्हित करने के लिए गांव का भ्रमण किया। ये जानने के बाद ग्रामीण बेहद खुश है। उधर अमरोहा के DM ने इसकी पुष्टि की है। मोहम्मद शमी जी के गांव में एक मिनी स्टेडियम का प्रस्ताव हम लोग भेज रहे हैं। उस प्रस्ताव में मिनी स्टेडियम के साथ साथ ओपन जिम की भी व्यवस्था होगी और वहाँ पर्याप्त जमीन है और उपयुक्त जमीन है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, ये बड़ी और खुशखबरी है शमी के लिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अमरोहा के गांव सैदपुर अली नगर निवासी क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक नया ही कमाल कर दिखाया। उन्होंने लगातार विकेटों की झड़ी लगाई है, फाइनल की राह भारत की आसान की है, क्योंकि 7 विकेट न्यूजीलैंड के खिलाफ लेकर उन्होंने जो है एक इतिहास में नाम अपना दर्ज करा लिया, क्योंकि अभी तक के वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी ने एज ए बॉलर 7 विकेट नहीं लिए। जिसके बाद अमरोहा उनके गांव और उनके जिले में जो खुशी की लहर दौड़ गई है, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके इस प्रदर्शन को लेकर एक इनाम दिया है। उन्होंने उन्हीं के गाँव में एक मिनी स्टेडियम बनाने का जो ऐलान किया, जिसको लेकर अमरोहा के CDO और के सहित आला अधिकारियों ने जगह चिन्हित कर ली है। उस जगह का प्रस्ताव लेकर शासन को भेजने की तैयारी की जा रही है और जल्द ही वहां पर मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा, जिसकी पुष्टि जनपद के जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने की है। जी इस तरीके के अगर सम्मान समारोह रखे जाए तो इससे हौसला अफजाई होता है और आगे इस तरीके का प्रदर्शन करने के लिए और ज्यादा शक्ति मिलती है। इमरान जी बिल्कुल, जिस तरह से क्रिकेटर मोहम्मद शमी का ये प्रदर्शन रहा है, उसको लेकर पूरे प्रदेश में हर्ष का माहौल है। वहीं अमरोहा की और उनके पैतृक गांव की बात की जाए तो उनके पैतृक गांव में लगातार जश्न भी मनाए गए हैं, क्योंकि अभी तक के वर्ल्ड कप के इतिहास में इतना अच्छा प्रदर्शन किसी का नहीं रहा, क्योंकि जितने कम मैच खेलने के बाद मोहम्मद शमी ने यह प्रदर्शन किया है, देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया और अपने गाँव का और अपने शहर का नाम भी रोशन किया, जिसको लेकर अलग अलग पार्टी के नेताओं ने भी ट्विटर के माध्यम से उनके जो मिनी स्टेडियम बनने का ऐलान सरकार ने किया उसमें फंड देने का उन्होंने भी ऐलान किया। राष्ट्रीय लोकदल इनके पार्टी ने भी अपने फंड से उनको फंड देने की बात कही है। जी तो क्या कुछ खास रहने वाला है और कितनी लागत से बनने वाला है मिनी स्टेडियम? जी बिल्कुल, अभी जिस तरह से सरकार ने मिनी स्टेडियम बनाने का ऐलान किया उसको देखते हुए अधिकारियों ने जगह चिन्हित कर लिया। अभी फिलहाल प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा, अभी प्रस्ताव भेजने के लिए प्रस्ताव भी भेजा नहीं गया, जैसे प्रस्ताव की तैयारी की जा रही है, प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा, उसी के बाद जो है कितना आंकड़ा है, कितने में प्रस्ताव बनकर है, उसी की पुष्टि की जाएगी। जी तो क्या जगह चिन्हित कर ली गई है स्टेडियम बनाने के लिए इमरान? जी बिल्कुल, उन्हीं के गांव शमी के गांव में ही जगह चिन्हित कर ली गई है। CDO अश्वनी कुमार और ब्लॉक के अधिकारी और तमाम ADMO ने मौके पर जाकर वहां पर जगह को चिन्हित कर लिया और उस जगह का प्रस्ताव बनाकर ही शासन को भेजा गया है। वहीं जिलाधिकारी ने भी जानकारी देते हुए यह कहा है कि यहां पर एक मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा और जिसमें ओपन जिम की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और जल्द ही इस मिनी स्टेडियम का कार्य शुरू कराया जाएगा प्रस्ताव होने के बाद। जी शानदार प्रदर्शन शमी ने सेमीफाइनल में किया था, अभी तो फाइनल मैच होना बाकी है, उससे और भी ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है और लगाई भी जा रही है शमी से। जी बिल्कुल, जिस तरह से सेमीफाइनल में क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने अपना प्रदर्शन दिखाया उसको देखते हुए जिले में इतना हर्षोल्लास का माहौल है कि अलग अलग जगहों पर LED लगाकर फाइनल मैच देखने की तैयारी की जा रही है और लगातार शमी के गांव सहित अन्य गांवों में भी फाइनल इन भारत के फाइनल जीतने की दुआ लगातार की जा रही है। शमी के गाँव में भी कई बार फाइनल जीतने की दुआ की गई है और जिस तरह से शमी का प्रदर्शन रहा उसको लेकर भी अलग अलग कलाकारों ने, चित्रकारों ने उनकी तस्वीर कोयले से चित्र बनाकर उनको बैस्टो पर लगाया है और अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की है। जी जी बिल्कुल इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि अमरोहा में शमी के सम्मान में एक स्टेडियम बनाया जाना है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से ये स्टेडियम जो है वो बनेगा